सबसे पहले मैं प्रश्नित चैनल के नमस्कार करती हूँ। छठी मैया सब नाती है को बड़ लड़का के हम मांगा तो नहीं बस और कुछ और नहीं की मारो सब कुछ बरल बा सब भगा गए। हां एक बात हम लोग आगा बराना करते हैं पहले बराना हां उसके बाद और उसके बाद संजत होता है खरना होता है हां खरना होता है हां तब छठ पूजा पहला अलग होता है सब हां और दूसरा का पछिला रख तीन दिन तक पूरा उपवास रहना पड़ता है। हां क्या कहेंगे यहां का बहुत मतलब मान्यता है हाँ जैसे भरी महादेव का छठ पूजा का बहुत लोग मानता है यहाँ का रजी गरजी देवा बारी साले ओरी ए ओरी माधो चूरे ओरी आनी माधो चूरे ए भींगे इस वक्त हम भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल के बहरी महादेव धाम में हैं और हम एक ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जो कि छठ व्रती जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं काफ़ी मनोकामनाएं जो है लेकर यहाँ पर आते हैं। पीरो शहर में जो बहरी महादेव धाम है भगवान शंकर का जो है प्राचीन काल से यहाँ पर भव्य मंदिर भी है और सूर्य मंदिर भी है जो कि यहाँ पर आते हैं और सभी लोगों का मनोकामनाएँ भी मांग कर यहाँ पर आते हैं। इनकी मनोकामनाएँ मांगते हैं तो यहाँ पर पूरी होती है, उसके बाद से फिर पूजा पाठ करने के लिए छठ व्रत करने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बात करेंगे इनसे कैसा लग रहा है यहाँ पर छठ व्रत करके। चाची जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है छठ व्रत यहाँ पर करके? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लग रहा है? हाँ। कहाँ से आप लोग आई हैं? हम बलियाबाग से आई बनी। बलियाबाग इतना दूर से? हाँ हाँ इतना दूर से। क्यों इतना दूर से क्या हम यहाँ पर आए? हमारा यहाँ माँ के घर है। माँ के घर है? हाँ रजिया। अच्छा रजिया घर है? हाँ हमारे भाई के जिले ना हुआ। अच्छा कैसा यहाँ पर नजारा कैसा है? क्या मांगी है छठी मैया से? छठी मैया सब नाती है को बड़ लड़का के हम मांगा तो नहीं बस और कुछ और नहीं की मारो सब कुछ बरल बा सब भगा गए। हाँ एगो धन जी के खाली मनोकामना ये शंकर शिव गुरु पूरा करो छठी मैया पूरा करो। कब से आप लोग यहाँ पर छठ व्रत कर रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से? क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहाँ से आई हैं? सबसे पहले मैं प्रश्नित चैनल के नमस्कार करती हूँ। मैं रजिया से आई हूँ। रजिया से? जी। कैसा यहाँ पर? रजिया तो काफी नजदीक है, हर बार आती हैं यहाँ पर? जी जब से जन्म हुआ तब से यहाँ आते हैं। नजारा यहाँ पर कैसा है? बहुत अच्छा लगता है, सब जगह से अच्छा यहाँ पर लगता है। भगवान शंकर का मंदिर भी है, तालाब भी है, सूर्य मंदिर भी यहाँ पर है। जी क्या क्या मांगी है सूर्य भगवान से? क्या मांगे है, मेरा जो भी कमी है मनोकामना हो पूरा हो। अच्छा यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपके बगल में जो है मलियाबाग से भी आई है, क्या कहेंगे जो दूर से लोग आ रहे हैं? क्या कहेंगे यहाँ का बहुत मतलब मान्यता है हाँ जैसे भरी महादेव का छठ पूजा का बहुत लोग मानता है यहाँ का। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रजिया से आए हैं। रजिया से आए हैं। कैसा नजारा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब हम लोग देखते हैं कि सूर्य भगवान जब उगते हैं, जैसा कि जब उगते हैं तो सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन ये छठ पर्व जो है जब सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तो सबसे पहले अर्घ देकर यहाँ से पूजा जो है शुभारंभ किया जाता है। सूर्य भगवान उगते हैं तभी पूजा करते हैं। इतना महान पर्व है छठ? बहुत महान पर्व है, बहुत महान पर्व है। एक गीत गुनगुना दीजिए थोड़ा आप लोग। रजी गरजी देवा बारी साले ओरी ए ओरी माधो चूरे ओरी आनी माधो चूरे ए भींगेला राम निवास सिंह के दोतिया मोड़ा दे के अपा
नीला सिंह के सोतिया खुशिया दे के गीत जब गाती हैं तो पूरा वातावरण काफ़ी ऐसा लगता है, काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाता है सभी, ऐसा काफ़ी अच्छा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तीन दिन से भूखे हैं फिर भी शक्ति नहीं थके हैं। कैसे कैसे होता है आप बताइए, सबसे बढ़िया सब शुरुआत में क्या क्या होता है छठ पर्व में, शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत हम लोग बराना करते हैं, पहले बराना है। हाँ, उसके बाद संजत होता है, खरना होता है, खरना होता है, तब छठ पूजा पहला अलग होता है। हाँ, दूसरा का पछला अलग, तीन दिन तक पूरा उपवास रहना पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा मिलकर के, जो कि हम छठ व्रती लोगों के पास आए हुए थे, छठ घाट पर आए हुए थे, जो कि मिलकर जो कि कुछ रजिया गांव से हैं, जो कि भोजपुर जिला पिरोन मंडल के अंतर्गत जो आता है, और काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए गीत सुनकर छठ का, और काफ़ी ये लोक आस्था का महान पर्व है जो कि पूरा यूपी बिहार जो है, पूरे देश और विदेश में भी जो है काफ़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस तरह से आप लोग देखिए पर सुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ, थैंक यू।